यार थूर में घूम रहे हो तो। ले ली मेरे भाई ले ली। बचपन से जब से हमने होश संभाले हैं इसका भी और मेरा भी ना एक शौक था कि हम एक थार ले लें। अभी कल भी ना ये रोल की दुकान पे गया, कहता सर एक रोल देना। वो कहते भाई साहब कौन सा रोल सर, अपने इसके लिए पता क्या जवाब दिया तू था नहीं ना कल। कहता यार उसकी जिंदगी में हस्बैंड का रोल दिलवा दो। कि हमारी थार में 7-8 lakh की एक्सेसरीज लगी हुई है। 5 मिनट अगर आप गाना सुन लोगे ना इधर बैठ के तो आपको उल्टी आ जाएगी, इतने तगड़े बेस सिस्टम। अब मैं गड्ढे ढूंढ रहा हूँ कि भाई गड्ढा आ रहा तो गड्ढे में घुसा। हमें एक बस थार लेनी है और थार से जब हम जाएंगे ना मोमोज खाने राजेंद्र नगर, और वहाँ पे जो पीजी की जो गर्ल्स यहाँ पे पढ़ाई करने आई होती है बहुत सारी भीड़ लगी होती है जब हम मोमोज खाने जाते हैं, तो ये राहुल उनको ही देखता रहता है। मुझे पता तू कहाँ देख रहा है। कैसा लग रहा था आते हुए ये बताओ। कसम से बोलूं सिद्धू मूसे वाले की पूरी याद है। राजा बन गए इसका मतलब ये नहीं कि प्रजा को तंग करा जाए। राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। पल जप तेरा नाम। बाहर का मौसम चेक करो भाई जबरदस्त, और ये हमारा भाई भीगता हुआ भिगाता हुआ आ गया भाई शोरूम। ये क्या करने आया तेरे को पता है? इसको नहीं आइडिया ना हम क्या करने वाले हैं। मुझे पता है क्या करने आया। नहीं आपको तो पता पाजी, मैंने पूछा ही नहीं आपसे। अच्छा हाँ, सो मेरे भाई ने भी ले लिया आईफोन 13 प्रो और इसने भी लिया है 1 TB। ले मेरे भाई इधर मुझे आ गया। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ना मैंने 1 TB का 13 प्रो लिया, इसको भी चुल मचा दी। एक्चुअली क्या है ना कावासाकी में पाजी जो भी काम करता है इतना पैसा होता है बंदे के पास कि आप भी दिखाओ ना अपना। ये देखो पाजी के पास भी प्रो है, ये सरफ के पास भी प्रो आ गया है, मतलब अगर किसी को कुछ करना है तो वो कावासाकी ज्वाइन कर ले। ये कावासाकी प्रो टीम है। हाँ प्रो टीम है भैया, प्रो फोन हो गया। मैडम जी कब ले रहे हो फोन? सबके हो गए ना प्रो प्रो प्रो। जल्दी ये फोन आने वाला। देखो इतना पैसा है ना कि हमारा शोरूम भी आधा हो गया। शोरूम आधा नहीं हुआ बेसिकली, हम एक बहुत गुड न्यूज है पाजी। गुड न्यूज आप बताओगे मैं बताऊँ? अभी नहीं बतानी, नहीं अभी सरप्राइज। तो आप पीछे देख रहे हो ना ये बॉल आ गई है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे कुछ बनने वाला उस तरफ, तो वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो जब भी वो रेडी होगा आपको वो सरप्राइज भी रिवील करेंगे। ये मेरे भाई का न्यू कैबिन। सो गाइस ये राहुल का एक कैबिन तैयार हुआ है जहाँ पे कस्टमर्स भी बैठ सकते हैं। भाई मैंने बोला है ना जो भी बंदा कावासाकी में काम कर रहा है मतलब तरक्की पे तरक्की हुई जा रही है राहुल। अभी भी हम कहाँ जा रहे हैं मैंने इनको बताया नहीं है, बट बताना ना मैं दिल से चाह रहा हूँ। बता दूं राहुल? बताना तो पड़ेगा क्योंकि जा रहे हैं और थंबनेल तो आपने लिख ही लिया होगा। तो भाई शुरू से बोल रहा हूँ इस वीडियो में पैसा इतना है ना कि संभाला नहीं जा रहा। बचपन से जब से हमने होश संभाले हैं इसका भी और मेरा भी ना एक शौक था कि हम एक थार ले लें। थार आनी चाहिए। ऊपर से हमारे जो लेजेंड साहब थे वो सिद्धू मूसे वाला, उनकी डेथ भी थार में हुई थी और वो तो इमोशनली इतने कनेक्टेड थे थार से। जितने भी सिंगर्स ने नए वाली थार निकलवाई थी ना तो मुझे याद है उन्होंने स्टोरी डाली थी कि यार जितने मर्जी नई थार लेते रहो पुराने वाली थार का अलग ही मजा है। तो अभी भी हम कुछ वैसा ही लेने जा रहे हैं। राहुल को मैं उठाने आया हूँ, राहुल के थ्रू ही हमें वो थार मिलने वाली है। राहुल देख भाई इतनी नेगोशिएशन करवा दियो ना कि मजा आ जाए। जब मैं बेचने जाऊँ तो कम से कम 2 लाख रुपए का बेनिफिट होना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ यार, मिल जाए बस जो हम लेने जा रहे हैं ना। दिल से कह रहा हूँ आप लोगों को इतनी पसंद आने वाली है और उसमें जो जो चीजें लगी हुई है ना आपका दिल खुश हो जाएगा। अब बाकी मैं दिखाऊंगा आप सीधा। हाँ जी भाई साहब जाने दोगे? थैंक यू सो मच। कह रहा नहीं भाई जाने ही नहीं दूंगा। ये देख लो ये हमारा रास्ता है भाई जाने का और इसने रास्ता लॉक कर दिया हमारा। जाने दोगे? कैसे हो? आपकी आईज क्लीन होने वाली हो गई है भाई, जल्दी करेंगे अभी आके करता हूँ ठीक है भाई। अभी लड़की से मिलने नहीं जा रहे, थार लेने जा रहे हैं पाजी आप। अच्छा अच्छा हाँ लड़की के लिए ये वाला पाजी, वो मॉइस्चराइजर और ब्लीच क्रीम और क्या क्या आपके पास? हाँ मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो पाजी के बैग में से नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच पाजी। दी यार परफ्यूम मैं भी लगा लूँ, थोड़ा महंगी चीज़ लेने जा रहे हैं थोड़ा सा। डॉग बिस्कुट भी मिलते हैं चाहिए? नहीं भाजी वो सरफ को जरूरत है। सरफ यू नीड डॉग बिस्किट्स फॉर द कालू स्टैंडिंग आउटसाइड। आप सर सार्कास्म करने की कोशिश। चले भाई राहुल लेट्स गो। ये देखो जरा भाई साहब, मतलब घर से बाहर निकलो शोरूम से बाहर निकलो हर चीज लेके जानी है इसने, पानी की बॉटल्स और भी भाई चिप्स विप्स सब ले ले, सामने दुकान है। राहुल चलाएगा गाड़ी आज?
क्या कह रहा, थार ही चलाऊंगा सीधा। तो भाई बेसिकली हमारा थार लेने का मूड बना कैसे, मैं आपको बताऊं, हम छड़े बच्चे हैं तीनों, तीनों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम ना आजकल ट्राई में लगे रहते हैं, तो यार लड़कियां नहीं सेट हो रही थी राहुल से, हमसे तो हो रही है इससे नहीं हो रही थी, तो हमने कहा राहुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हमें एक बस थार लेनी है, और थार से जब हम जाएंगे ना मोमोज खाने राजेंद्र नगर, और वहां पे जो पीजी की जो गर्ल्स यहाँ पे पढ़ाई करने आई होती है, बहुत सारी भीड़ लगी होती है जब हम मोमोज खाने जाते हैं, तो ये राहुल उनको ही देखता रहता है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जब तू थार से उतरेगा ना राहुल, है सही कह, सिर्फ और सिर्फ राहुल, नॉट हर्ष, नॉट पैसे, पैसे खाए मैंने इसके लिए कोई बात नहीं, इसको चुप कराने के पैसे दिए हैं, अभी कल भी ना ये रोल की दुकान पे गया, कहता सर एक रोल देना, वो कहते भाई साहब कौन सा रोल सर, अपने इसके पता क्या जवाब दिया, तू था नहीं ना कल, कहता यार उसकी जिंदगी में हस्बैंड का रोल दिलवा देना ये सही था भाई, ये बहुत बढ़िया था। अच्छा इसकी भी बात बताता हूँ, कल ये गवर्नमेंट जॉब का ना फॉर्म फिल कर रहा था, तो नाम वाम सब फिल कर लिया, राहुल तू नहीं था उस टाइम, तो जहाँ पे लिखा हुआ था मदर टंग, कहता पिंक पिंक लिख दिया अगले ने, ये थोड़ा ओवर हो गया, ये ओवर हो गया, इस पैसे नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, अभी मौसम देखो भाई जबरदस्त, इस मौसम के साथ थार लेने जा रहे हैं सरब के साथ, और मुंह पे निकला हुआ पिंपल, ये है जवानी का असर, क्या कहता है राहुल, लेकर ही आएंगे थार, लेकर ही आएंगे सिर्फ और सिर्फ थार, मुंह पे निकला हुआ पिंपल और लड़की के पड़ गए डिंपल, वाह 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 सुभान अल्लाह, देख रहे हो भाई हर जगह लड़की लड़की आ रही है दिमाग में, लड़के जवान हो गए हमारे, सिद्धू मूसे वाला बेबी यो भाई, थार ना मेरे सामने खड़ी है, बस एक बारी बाहर निकलूंगा उनसे डील डूल करके ना फिर आपको दिखाऊंगा, जब तक चीज हाथ में नहीं आएगी ना तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो चीज हमारी है, बस राहुल बाहर निकला है मैं भी निकल जाता हूँ। सो भाई दिस इज आवर नेक्स्ट डे, कल कुछ ऐसा सीन हो गया था कि हम वहाँ पे गए, हमने थार चला के देखी, सब कुछ अच्छा था, बट जब हम डील करने बैठे ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, लग नहीं रहा था कि हम खरीद भी पाएंगे कि नहीं, बट एट दी एंड वापस आए, थोड़ी सी हम आगे बढ़े, थोड़ा सा वो आगे बढ़े, तो आज हम फाइनली नेक्स्ट डे है तो लेने जा रहे हैं, राहुल नहीं है हमारे साथ, राहुल हमारा शोरूम में वेट कर रहा है, और अभी हम कैब करके वहाँ पे जा रहे हैं, कैब की सीट देख रहे हो दिस इज रेड कलर, और जो हम लेने जा रहे हैं ना सर उसकी सीट का कलर क्या है, वो भी रेड है, वो भी रेड है, तो अभी बस 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच रहे हैं, आपको उसकी पहली झलक दिखाने वाले हैं। मेरे छोटे भाई हाउ इज द फीलिंग ब्रो, टॉप पाजी, टॉप पाजी, सो ये रही भाई चाबी, अभी जिनसे हमने लिया ना वो भैया यहाँ पे है नहीं, सो उनके ब्रदर अभी आने वाले हैं, उससे पहले आंटी जी ने हमें चाबी दे दी, कहती अब तो आप ही की कार है जाके अंदर बैठ के एसी ऑन करके बैठ दो, बट वही है जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हमारा भी मन नहीं कर रहा था अंदर बैठने का, बट अब हम अंदर बैठ ही रहे हैं, चलो भाई सर हम अंदर ये ले, उस तरफ से बैठो, उस तरफ से बैठो, अरे भाई जूते गंदे हो गए भाई, साफ सफाई का ध्यान रख लियो जरा, ये तेरा डिपार्टमेंट है, मेरे भाई को ना इतना साफ सफाई का शौक है, जब भी बुलेट उठाएगा साफ करके उठाएगा, जब भी कार उठाएगा साफ करके उठाएगा, ये तेरी आदत है ना, शुरू से आदत है। बाकी भाई मेन चीज ये है कि हमारी थार में कुछ मेरे ख्याल 7-8 लाख रुपए की एक्सेसरीज लगी हुई है, 7-8 लाख की एक्सेसरीज लगी हुई है, मुझे नहीं याद कि मैं किसी की थार में बैठा हूँ और ये सब चीजें लगी हूँ, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं भैया से एक बार ना पूरी लिस्ट तैयार करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बकायदा फीचर्स के साथ वो चीजें दिखाऊंगा, बट यार मतलब अल्टीमेट आप ये सोच लो कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो थार में लगती होगी और हमारी थार में नहीं है, इसीलिए मुझे ये पसंद आई थी, इसलिए मैंने बजट बढ़ाया और इसीलिए अब हम ये थार खरीद रहे हैं फाइनली। स्टार्ट तो करके दिखा भाई, टर्बोचार्जर, टर्बोचार्जर यार अभी नहीं बताना था ये फीचर, हाय वाहेगुरु, बेस्ट फीचर, जयकारा लगा बोले सोनेहा, सत श्री अकाल, फर्स्ट स्टार्ट हमारे हाथ से, कल ही करा था बट वो फर्स्ट नहीं था, वो फर्स्ट भैया ने करा था ना, वो स्टार्ट ही नहीं करा था, अभी बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो भैया आएंगे कहेंगे कि भाई जाओ हरी झंडी मिल जाएगी निकल जाएंगे, ओके भाई थैंक यू सो मच, बाय बाय, चलो जी चलो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो अभी फिलहाल हमारा सरब भाई चलाएगा, चला लेगा भाई, मैं ले लूं देख ले, पुकम करते हैं आजा, दो बंदों में कैसे होएगा रहने दे, तू ही चला ले। सो जिनकी वजह से हमने थार ली है, सिद्धू मूसेवाला जी हमारे, उनका गाना ना बजाए सबसे पहले कार में तो किसका बजेगा है ना, बस तेज करियो मेरे भाई, थोड़ा तेज देखें, और तेज करियो, क्या बात है,
सिस्टम भाई इसमें एक नंबर लगा हुआ है, मतलब आपको क्या बताऊं, 5 मिनट अगर आप गाना सुन लोगे ना इधर बैठ के तो आपको उल्टी आ जाएगी, इतने तगड़े बेस सिस्टम है। सर आपने अभी उल्टी करी है बाहर 2 थैली भर के, ज्यादा हो रही है। हंसी आई तो आपको आई आई कमेंट सेक्शन में बताओ, हंसी आई नहीं आई? पहले हम सोचते थे कि भाई यहाँ पे गड्ढा है तो यहाँ से गाड़ी नहीं निकालनी, अब मैं गड्ढे ढूंढ रहा हूँ कि भाई गड्ढा आ रहा तो गड्ढे में घुसा। अब ये ली इसलिए भाई ये चीज कि हम गड्ढों में घुसाएं और ऑफ रोडिंग करें, तो अभी तो बहुत सारे प्लान्स हैं फिलहाल। ये देखो सर, अब वो देख रहा है उसमें डाल गाड़ी को, डाल मेरे भाई डाल, शाबाश, अच्छी तरह डाल, शाबाश। भाई अभी आज ही लिया देख के जरा, है मैं थोड़ा जोश में डाल रहा हूँ तेरे को, तू जोश में मत आ। बट सीरियसली यार जोक्स अपार्ट, जैसे मोमोज हमारे लिए खाने में इमोशन है ना, कार में थार एक इमोशन है, और टू व्हीलर में हम बुलेट को इमोशन मानते थे, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो इंडिया में ना डिवाइडेड है। आप अगर थार की बात करोगे तो वो इमोशन आ जाता है कि भैया थार एक ऐसी चीज है जो हर बंदा आज भी देखता है, पहले भी देखता था। तो सिद्धू मूसेवाले ने जब ली थी ना ये थार, उसने स्टोरी डाली थी, मुझे आज भी याद है, तो तब से दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी कि भाई हम जिनको आइडल मानते हैं अब वो चीज हमें भी लेनी है, हमारा सपना है। तो फाइनली आज सपना पूरा हो गया, इट्स लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू फॉर मी। तेरे लिए भी भाई बहुत ज्यादा पाजी, हमारा सपना है भाई। हम इस टाइम आपको हंसते हुए दिख रहे हैं, बट अभी फिलहाल हम सीधा गुरुद्वारे जाएंगे और थैंक यू सो मच बोलेंगे बाबा जी को कि आपने हमें इतनी अच्छी चीज दी है, और होपफुली इसकी बहुत केयर करेंगे यार। नाउ इट्स माय टर्न भाई, आधे आधे रास्ते की बात हुई थी बट सर ने बहुत सारा रास्ता कवर कर लिया, वो बहुत अच्छा अच्छा जंगल वाला, गलत बात है भाई सर। वाहेगुरु चले। Yes. डर तो नहीं लग रहा मेरे को? तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये ब्रेक कहाँ होती है मेरे भाई? यहाँ पे होती है मेरे भाई, और ये अपना चलो देखते हैं सब कुछ। हाँ भाई कहाँ है डिवाइडर? हाँ भाई फुटपाथ कहाँ है? अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कहीं भी चढ़ा देंगे, देखेंगे नहीं कौन आस पास। मजाक कर रहा हूँ भाई, आराम से चलाएंगे। राजा बन गए इसका मतलब ये नहीं कि प्रजा को तंग करा जाए। राजे अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। अब ऐसी फील आ रही है कि राजा बन गए थोड़ा सा, जो भी है। हाँ सारे दिख रहे भाई। हाँ भाई हाँ भाई भाई वो देखो कैमरे के अंदर ना पुलिस वाले भी देख रहे हैं, तो स्पीड स्पीड थोड़ी देख के हैं। तो स्पीड देख के चलो ठीक है, कैमरे बंद करो, बोलेंगे शो ऑफ कर रहा है। सो ये मेरा भाई आ गया, राहुल मेरा भाई कहाँ गया? ये है क्या? हाँ जी ये वाली लाइट जलाओ ना, ये वाली भाई चलाना उसपे। अरे तो अभी का चलान कटेगा, अभी तो अपने ये भाई यहाँ से जलती है कहीं से ना, वो सरब को पता, जरा सरब ने सीख लिया। कैसी लग रही है? एक नंबर। सो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अगर थार आई है तो वो राहुल की बदौलत आई है। जरा मेरे भाई इस बंदे ने डील कराई थी हमारी, इसी बंदे ने ये थार ढूंढी थी, और मतलब तेरे बदौलत आई है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा अंदर चल, मोमोज खाने चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैंने मोमोज खाने के लिए हमने ये थार खरीदी है, तो अभी सरब अंदर सुसु करने गया, आई गया वो सरब आ रहा है सुसू करके, और राहुल आई थिंक आगे बैठेगा, और यहीं से थार में ये दिक्कत है कि ये सीट आगे होगी और यहीं से दूसरा बंदा पीछे जाएगा। हाँ भाई पीछे कौन बैठ रहा है? भाई पुकम कर लो, जो मेरे साथ आएगा ना, मतलब सेम जैसे मेरा अगर ये आया और सरब का ये आया तो सरब आगे बैठेगा। पुकम होएगा ना, अंडरस्टैंडिंग है क्या तू? चल चल जाते हो तू पीछे बैठ जा, आते हो ये बैठ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, पीछे बैठ जा भाई आराम से। क्या कह रहा है? वीडियो बंद करो। गाली दे। हां जी अजीताभ पाजी, सेक्सी पाजी, बहुत प्यारी लग रही। कैसा लग रहा था आते को ये बताओ? बहुत कसम से बोलूं सिद्धू मूसेवाले की पूरी याद है। बस 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 यही चाहिए था पाजी, आ जाओ मोमोज खाने चले। दिल खुश कर दिया पाजी ने, ये सिद्धू मूसेवाले का नाम लिया ना आपने, कैसा लग रहा है कि वही आ रहा है? बहुत प्यारी लग रही है, बस दिल खुश हो गया। आ जाओ मोमोज। राहुल मुझे पता तू कहाँ देख रहा है? बेटे हमें सब पता तू कहाँ देख रहा है, अब थार पे आया तो तू अब ये चीजें देखेगा। क्या कह रहा है? लीस लिए सपना ही यही था यार, लीस लिए थी। पाजी पीछे बैठ के कैसा लग रहा है? मजा आया, राजा वाली फील आ रही है। राजा ये पाजी ना मेरी दिल की बातें सारी बोल रहे हैं, राजा वाली बात, मूसे वाली बात। ओके पाजी थैंक यू सो मच, अब गुरुद्वारे जा रहे हैं। पाजी ने मैच देखना था तो मैंने कहा आप मैच देखो, हम कोई दिक्कत नहीं पाजी, मिलते हैं। ओके अब की बार राहुल की बारी। राहुल वांट्स टू ड्राइव द कार, आ कार या द कार होता है? पहले बता आ कार या द कार?
कार। हाँ भी हट, राहुल की बारी है, पीछे तो चलो। अच्छा मैं पीछे जाऊँ क्या, बेइज्जती कर रहा है? सो यार बात कुछ ऐसी है, मैं अभी तो फिलहाल फ्रेंड्स को दिखाने जा रहा हूँ, बट मम्मी को मेरी नहीं पता कि मैं ये ले आया हूँ थार। तो कल मेरी मॉम का बर्थडे है, उसका अलग व्लॉग होगा, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा मेरे मम्मी का रिएक्शन जब मम्मी को पता लगेगा कि उनके बर्थडे वाले दिन मैं थार घर पे लेके आया हूँ। क्यों भाई है राहुल? Yes. अच्छा होगा ना हिसाब किताब, मम्मी खुश हो जाएंगी बिल्कुल। रामलाल पर भाई साइड देख के चलो। ओ भाई आराम से मेरे भाई, भाई डर लग रहा है। राहुल इसमें ब्रेक ही नहीं है, जैसे इन्होंने चलाई है कसम से मेरा तो हाल खराब। क्यों ऐसे क्यों? चलानी आती है मेरे भाई को गाड़ी, ऐसे मत बोल। क्यों राहुल? और क्या यार, धीरे धीरे सीखेंगे उसके बाद। स्मार्ट लग रहा है राहुल, तेरे पे जच रही है। अरे यार तेरी कसम, वो जो लड़कियां खड़ी थी ना मोमोज वाली जगह पे, तेरे को देख रही थी बार बार। आने वाले अब हट जाओ। पल जपो तेरा नाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब जाके शांति मिली है, गुरुद्वारे आए, दर्शन कराए, थोड़ा सा अमृत छिड़का हमने अपनी कार पे, सो दैट कृपा बनाए रखे भगवान हमें। गाड़ी ये फूलनी चाहिए, क्या कहते हैं, फले फूले, फले फूले। अभी यार 12:47 हो गए हैं रात के, मम्मी को मैंने 12 फोन करके विश कर दिया था, तो अभी बहुत सारे दोस्त मिले, उनके रिएक्शंस मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता था क्योंकि संडे का दिन था और मेरे कुछ दोस्तों ने खाई पी हुई थी, तो वो चीजें कैमरे में नहीं दिखाई जा सकती। अभी फिलहाल मैं ना मम्मी के लिए ये केक ले गया हूँ, मे बी आपको नेक्स्ट वीडियो में वो देखने को मिलेगा कटिंग, या तो नहीं भी दिखेगा क्योंकि अभी सोएंगे, उठाऊंगा फिर केक कट करवाऊंगा तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, वो चीज़ें मैं कैमरे में शायद ना दिखाऊं। बट मम्मी को अभी तक मैंने थार नहीं दिखाई, वापस मैं अपनी i20 में आ गया हूँ एंड थार मेरे शोरूम पे खड़ी है। सो कल मैं थार उठाऊंगा, मम्मी को दिखाऊंगा, और कल मेरे भांजे का भी बर्थडे है, मेरी मम्मी का भी बर्थडे है, तो थोड़ा सा हैपनिंग भी होने वाला है, हो सकता है मैं व्लॉग बनाऊंगा कल का। सो गाइज होप करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी यार थार का जो सीन था ना, थार मेरे लिए एक इमोशन था जो कि मेरा सपना एट दी एंड पूरा हो गया, आप सबकी वजह से, आप सबके सपोर्ट से। ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो, ऐसे ही मैं बड़ी बड़ी चीज़ें अपने सपने पूरे करता रहूँगा। तो ठीक है यार, अगली वीडियो में मिलते हैं, और आपको थार के बारे में एक एक चीज़ ट्राई करूँगा कि बताऊँ मेरी थार में क्या क्या लगा हुआ, जो कि आपको देख के भी बहुत हैरानी होगी कि अच्छा ये भी चीज़ होती है थार में, लग सकती है। अलॉय व्हील्स तक भी ना उसमें जो लगे हैं बहुत अच्छे हैं, एंड आई थिंक 125,000 के अलॉय व्हील्स हैं, तो वो सब चीज़ें आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। इस वीडियो में दिखा नहीं पाया, आपने देख ही लिया क्या कंडीशन थी, लेना नहीं लेना पता नहीं क्या क्या हो रहा था। ठीक है ना, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नाइस नाइट, बाय।